हेलो ऑल, वेलकम टू राजमुद्रा एस एकेडमी। आज के लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज योर मुगल एम्पायर। सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर एंड देयर कंट्रीब्यूशन, और साथ में देखा जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्पायर टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया, जो कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे रिलेवेंट रहेगा। उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और भी देखेंगे, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, क्योंकि उसके ऊपर कभी कभी एग्जाम में प्री में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर। इस टॉपिक को करने से पहले थोड़ा सा ये जो मैप आप लोगों के सामने है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के जो हमारा टेरिटरी या जो हमारा इंडिया था उसका नदर्न टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेके यहाँ पे मुगल एम्पायर की फाउंडेशन की। जब मुगल एम्पायर यहाँ पे बनेगा तो इनिशियल स्टेजेस पे अंडर द कंट्रोल ऑफ या अंडर द रूल ऑफ बाबर, वो आपका जो है वो आपका काबुल से लेके ईस्टर्न साइड तक, बिहार तक जो है वो उनकी टेरिटरी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। जो मैक्सिमम टेरिटरी आपकी किसी स्पेसिफिक मुगल रूलर के अंदर एक्सपैंड होगी, उस राजा का नाम होगा औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे जो आपके डेक्कन सल्तनत थी, जो आपके सदर्न साइड के किंगडम्स थे, उनको भी एक्वायर कर दिया जाएगा और वो किंगडम मुगल एम्पायर का पार्ट बन जाएंगे। तो आप यहां से देख सकते हो कि किस तरह से औरंगजेब के टाइम पे मैक्सिमम टेरिटरी जो थी वो आपकी मुगल के पास आ गई थी। ये जो बीच की टेरिटरी आप लोग देख रहे हो, ये आपकी अकबर, शाहजहां और जहांगीर के टाइम की बात है। बाद में जब यहाँ पे मराठास की पावर बहुत ज्यादा एक्सपेंड होगी, ब्रिटेन, ब्रिटिश यहाँ पे आ जाएंगे, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे मुगल एम्पायर एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाएगा, जो आपका दिल्ली के आसपास के एरियाज रहेंगे। तो ये था मुगल एम्पायर की टेरिटरीज के बारे में, कहाँ तक मुगल एम्पायर जो है वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करेगा। जैसे आप लोग देखो कि मैक्सिमम रूलर्स के टाइम पे जो काबुल वाला एरिया था, जो कंधार वाला एरिया था, वो मुगल के पास होता था, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे जो आपका कंधार था, जो आपका अफगानिस्तान का एरिया था, वो मुगल से दूर चला गया था और वहां पे अफगानियों का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया था। क्लियर। अब चलिए वापस आते हैं सबसे पहले रूलर के बारे में, जिसका नाम है बाबर। देखिए, बाबर जो था वो सेंट्रल एशिया में फरगना नामक प्रोविंस के ऊपर एक अपना रूल कर रहा था। वहां से उसने काबुल के ऊपर आया, क्योंकि इंटरनल फाइट चल रही थी वहां पे उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके जो भाई थे, उसके जो चाचे मामे थे, उनके साथ। तो जब आपका बाबर जो है वो काबुल में आएगा, तो स्पेसिफिक टाइम पे जो सिंध वाला एरिया है, सिंध वाले एरिया में दौलत खान जिसका रूल होगा, और इब्राहिम लोधी के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। दौलत खान जो है वो बाबर को रिक्वेस्ट करेगा अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, और जब बाबर यहां पे आएगा तो सबसे पहले इब्राहिम लोधी को हरा के ये इस स्पेसिफिक टेरिटरी में अपने एक एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट करेगा, जिस एम्पायर को हम लोग कहते हैं मुगल एम्पायर। एक चीज ध्यान रखना, दौलत खान जिसने बाबर को यहाँ पे हराया, बुलाया था, बाबर ने उसको भी एक बैटल में हराया, क्योंकि दौलत खान को बाद में बाबर की जो एम्बिशंस थी उनका पता चल गया। क्योंकि इनिशियली दौलत खान या बाकी राजाओं को ऐसा लगता था कि बाबर यहाँ पे आएगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा और वापिस चला जाएगा सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान वाले एरिया के पास, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेटेजिकली उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहानी उल्टी है, बाबर यहाँ पे आके यहीं पे ही रह के अपने सल्तनत, अपने किंगडम को एस्टेब्लिश करने की घोषणा करता है, जिसके थ्रू तुम लोग देखना जब बाबर यहाँ पे आएगा तो वो मल्टीपल बैटल्स में इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले जब बाबर यहाँ पे आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है हमारी हिस्ट्री की, दैट इज योर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई 1526। ये वो बैटल है जहां पे बाबर इब्राहिम लोधी को हराएगा। ये वो बैटल है जहां पे बाबर गन पाउडर्स और कैनन्स को यूज करेगा, तोपे और जो बारूद है उसको बहुत ज्यादा जोर शोर से हिंदुस्तान के अंदर यूज किया जाएगा। इससे पहले नो डाउट बहमनी किंगडम के पास भी गन पाउडर था, लेकिन इतने ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर, जिस लार्ज स्केल के ऊपर बाबर इसको यूज करेगा, वो इससे पहले कभी भी यूज नहीं किया गया था। तो पानीपत की लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है इंडिया की हिस्ट्री में। उसके बाद जो आपका राजस्थान वाले एरिया रहेंगे, राजस्थान में एक आपका प्रोविंस होगा, एक आपका किंगडम होगा, जिस किंगडम का नाम था मेवाड़। मेवाड़ के राजा का नाम था राणा सांगा, या जिनको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में सेकंड बैटल होती है 1527 में, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ खानवा, खानवा या खानवा भी इसको कह देते हैं। ये जो खानवा जगह है ये आपकी आगरा के पास है। इसमें राणा सांगा जो है वो बाबर के द्वारा हार जाते हैं। ये लड़ाई आपकी है 16 मार्च 1527 को। जब राणा सांगा की यहाँ पे डिफीट होती है तो एक तरह से जो राजपूत चैलेंज था टुवर्ड मुगल एम्पायर वो भी वहीं पे ही खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे अब बाबर जो है वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। एक और चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो राणा सांगा था वो एक हिंदू रूलर था, तो सबसे पहले बाबर ने जो इंडिया में जिहाद डिक्लेयर किया था, जिहाद की जो डिक्लेरेशन की थी वो अगेंस्ट संग्राम सिंह या राणा सांगा ही की थी बैटल ऑफ खानवा में। उसके बाद
चंदेरी जो आपका मध्य प्रदेश में एक एरिया है, तीसरी लड़ाई आपकी है बैटल ऑफ चंदेरी, जहां पे बाबर जो है वो आपकी मेदिनी राज को हराता है 1528 में, और उसके बाद तीसरी बैटल आपकी होती है 1529 में, जहां पे जो अफगानी थे, जहां पे जो आपके मोहम्मद लोधी थे, उसको जो है जो फोर्थ बैटल आपकी बाबर की है, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ घोघरा या घाघरा, ये बैटल जो है वो आपका बिहार के अंदर होती है 1529 में। तो इस तरह से बिहार तक का जो एरिया है वो आपके बाबर के कंट्रोल में आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना, बाबर जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था। बाबर ने खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, या जिसको हम लोग बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसका बेटा जिसका नाम है हुमायूं की उस स्पेसिफिक टाइम पे सिर्फ एज 23 इयर्स हुआ करती थी, वो अगला राजा बनता है। लेकिन हुमायूं जो था वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, वो और उसके भाई के बीच में जो पूरे के पूरे आपकी टेरिटरी है उसका डिवीजन हो जाता है। जो आपका काबुल वाला एरिया है, अफगानिस्तान वाला एरिया है, वो अपने छोटे भाई कामरान को दे देता है, जो आपका काबुल और कंधार वाला एरिया है, और जो दिल्ली वाला एरिया है वो हुमायूं अपने पास रख देता है, दिल्ली आगरा और जो सेंट्रल इंडिया का छोटा मोटा पोर्शन उसके कंट्रोल में होता था। अब कहानी सिंपल सी ये है कि जब हुमायूं यहाँ पे रूल कर रहा था, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जब यहाँ पे हुमायूं का रूल था, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर हुआ करता था जिसका नाम था शेरशाह। क्लियर? जिसका नाम था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो बैटल्स होती हैं, जिनमें हुमायूं दोनों की दोनों बैटल्स हारता है, और उसको अपना साम्राज्य छोड़ के वहां से भागना पड़ता है। वो पर्शिया पहुंचता है, सेंट्रल एशिया पहुंचता है, वहां के राजा से रिक्वेस्ट करता है अपने किंगडम को वापिस लेने के लिए, और इवन की जो किंगडम उसने अपने भाई को दिया था कामरान को, काबुल और कंधार का, कामरान भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो धीरे धीरे जो है वो विद द हेल्प ऑफ पर्शियन किंग, बाद में हुमायूं जो है वो कुछ सालों के बाद अपने किंगडम को फिर से रीगेन करेगा। तो हुमायूं की यहाँ पे दो खासियत है, हुमायूं जो है वो दो अलग अलग बैटल्स में इन्वॉल्व रहेगा। एक बैटल रहेगी आपकी बैटल ऑफ चौसा, और दूसरी बैटल आपकी रहेगी बैटल ऑफ कन्नौज। इन दोनों की दोनों बैटल में जो है वो शेरशाह के द्वारा आपका हुमायूं को हराया जाएगा, हुमायूं हारेगा, और बैटल ऑफ कन्नौज के बाद वो इस स्पेसिफिक एरिया को छोड़ के पर्शिया चला जाएगा। और जब वो वापिस जा रहा होगा तो अमरकोट के राजा के पास उसकी रानी रुकेगी, वहीं पे ही आपका जो अकबर है उसका जन्म होगा, और अकबर का जो जन्म है वो एक हिंदू राजा के घर में हुआ। क्लियर? अब हुमायूं की कहानी थोड़ा सा आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। हुमायूं लाइब्रेरी की स्टेयर से गिर के जो है उसका देहांत हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, सॉरी हुमायूं की। क्लियर? हुमायूं के बाद जो अगला राजा बनेगा दैट इज योर अकबर। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक हिंदुस्तान का रूलर रहेगा। अकबर की सबसे पहली खासियत क्या है कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत रहेगी 1556 में, 1556 में, उसमें अकबर जो है बेसिकली उस फाइट को लीड कर रहा होता है, अकबर का सेनापति जिसका नाम था बैरम खान। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर के द्वारा हेमू को जो है वो हराया जाता है, और इस तरह से जो दिल्ली वाला स्पेसिफिक एरिया है ये भी पूरे का पूरा जो है वो किसके कंट्रोल में आ जाता है आपका, या फिर से यहाँ पे मुगल एम्पायर का रिवाइवल होता है। नो डाउट हुमायूं ने भी काफी हद तक जो आपका मुगल एम्पायर की जो टेरिटरी उससे छीनी गई थी उसको फिर से ले लिया था, क्योंकि जो शेरशाह सूरी था उसका देहांत हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी 1545-46 के आसपास ही। क्लियर? अब देखिए, अगर अकबर की बात की जाए तो अकबर जो था वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं था, ये हर एक रिलीजन हर एक धर्म को ओपनली एक्सेप्ट करता था। यही कारण था कि अकबर की जो नीतियां हैं, उसकी जो पॉलिसीज हैं, वो काफी ज्यादा हम लोगों को उदारवादी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो अकबर यहाँ पे आके जो है वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ेगा 1556 में। उसके बाद अकबर जो है वो अपना खुद का एक रिलीजन जो है वो फाउंड करेगा, जिस धर्म को कहा जाएगा दीन ए इलाही। इस रिलीजन में हर एक धर्म की जो टीचिंग है उनको इम्बाइब किया जाएगा, हर एक रिलीजन जो है उसकी पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर इंक्लूड किया जाएगा, और जो बड़ी ही ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं उनको डिनाउंस किया जाएगा। तो दीन ए इलाही में बहुत ज्यादा लोग इसके फॉलोअर नहीं थे, सिर्फ 15 लोगों ने ही इस स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो किया था, इंक्लूडिंग बीरबल। तो यहां से हमें आइडिया लगता है कि शायद अकबर जो है उसने अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया, नहीं तो अकबर जो कि मोर ऑर लेस काफी ज्यादा टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा था, अगर वो चाहता तो काफी लोगों को इस स्पेसिफिक रिलीजन में भी परिवर्तित या कन्वर्ट करवा सकता था। क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि जैसा राजा रहा है वैसा ही रिलीजन, या जो रिलीजन राजा ने बनाया या राजा ने एक्सेप्ट किया, उसी रिलीजन को लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ी खासियत अकबर की रहेगी कि ही इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया। अब समझिए मनसबदारी सिस्टम है क्या। देखिए मनसब का मतलब क्या रहता है, मनसब का मतलब होता है ऑफिस या रैंक,
मनसब का मतलब है ऑफिस या रैंक। जैसे फॉर एग्जांपल उस स्पेसिफिक टाइम पे जो रैंक थे वो देखिए कैसे एलोकेट किए जाते थे। जैसे मान लो रैंक है, एक है 10 या एक का ना, एक है 1000, 1000 मनसबदार, एक आपका है 10000 मनसबदार। तो 1000 मनसबदार का मतलब है कि ये आपका जो मनसबदार रहेगा ये रैंक में हायरार्की में छोटा रहेगा एज कंपेयर टू 10000 मनसबदार। मिनिमम 10 से लेके 10 रुपए से लेके या 10 से लेके 10000 तक जो थे वो मनसबदार को रैंक दिए जाते थे। तो जिसका नंबर जितना छोटा था वो उतना ही छोटा मनसबदार हुआ करता था। तो बेसिकली क्या कहानी सिंपल सी ये है कि मनसबदारी सिस्टम जो था वो डिसाइड करता था किसी की हायरार्की, किसी के रैंक को। तो अगर कोई 10000 मनसबदार है तो इसका मतलब है कि उसकी हायरार्की में ज्यादा पोजीशन रहेगी, उसकी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी रहेगी और वो ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, वो ज्यादा रिच होगा, उसके पास ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू उस मनसबदार से जिसका जो नंबर है वो थोड़ा सा कम रहेगा, जिसका नंबर जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा। जो रैंक्स थे या जो मनसबदारी सिस्टम था उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती थी। एक आता था जात, तो जात के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि बड़ा मनसबदार है या छोटा मनसबदार है, और उसके साथ आता था सवार। तो सवार का मतलब रहता था कि कितना कैवलरी मैन जो है, कितने कैवलरी मैन जो है वो उस स्पेसिफिक, जैसे मान लो 10000 था उसको ज्यादा घुड़सवार जो थे वो रखने पड़ते थे, और जो आपका 5000 रहेगा, 1000 मनसबदार रहेगा उसको कंपैरेटिवली थोड़े कम घुड़सवार जो है, कैवलरी मैन जो है वो रखने पड़ेंगे। क्लियर? तो जाट और सवार, तो जात से पता लगेगा रैंक क्या है उसका, जैसे 10000, 5000। सवार से पता लगेगा उसने कितने घुड़सवार, कितने कैवलरी मैन जो हैं वो अपने अंडर रखने हैं, उनको जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी तो उनको राजा तक पहुंचाना है। तो आई थिंक आपको मनसबदारी सिस्टम समझ आया होगा। क्लियर? इसके साथ मनसबदारी के साथ एक और चीज ध्यान रखना कि जो अकबर था उसने जागीरदारी सिस्टम भी शुरू किया था, जागीरदारी सिस्टम भी शुरू किया था। ध्यान रखना जागीरदारी का सिंपल सा मतलब क्या है। जागीरदारी का मतलब है कि राजा ने मनसबदार को एक जगह दे दी कि इस स्पेसिफिक जगह की या इस स्पेसिफिक टेरिटरी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, पैसा कलेक्ट करना है, वो तेरी जिम्मेवारी है और तू उस सारे पैसे को कलेक्ट करेगा और राजा को दे देगा। मतलब बेसिकली जो वहां से रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है वो ऑन दी बिहाफ ऑफ स्टेट हो रही है। जैसे जो आपका जमींदारी सिस्टम है वहां पे जमींदार के पास ही पैसा रहता था, जमींदार कुछ पैसा राज्य को देता था, लेकिन जागीरदारी में राजा के पास ही पैसा जाएगा लेकिन वो किसके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करेगा, वो पैसा कलेक्ट करेगा राजा के बिहाफ पे, किंग के बिहाफ पे। तो जागीरदारी सिस्टम भी अकबर के द्वारा ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? उसके बाद अगली चीज देखिए कि अकबर के कोर्ट में एक इंग्लिशमैन आया था जिसका नाम था रैल्फ फिच, ध्यान रखना इसके बारे में। इसके साथ ही अकबर जो था वो ही बिलीव्ड इन सुलेकुल, सुलेकुल का मतलब है पीस टू ऑल। क्लियर? इसका मतलब कि हर धर्म, हर लोग जो है वो शांति के साथ रहे, कोई धर्म बड़ा छोटा नहीं है। उसके साथ साथ ही बिल्ट इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना बेसिकली इनिशियल स्टेजेस पे तो बनाया गया था क्योंकि इसकी जो रानियां थी अकबर की वो अलग धर्म से, स्पेशली हिंदुइज्म से या हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती थी, तो ताकि वो अपने गॉड्स की पूजा कर सके तो इसके लिए इबादत खाना बनाया गया था। लेकिन बाद में इबादत खाना को जो यूज किया गया वो यूज किया गया अलग अलग रिलीजन की डिस्कशंस के लिए। इस इबादत खाना में हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियंस, हर एक जितने भी रिलीजन उस स्पेसिफिक टाइम पे हुआ करते थे, मुस्लिम्स, ये सारे के सारे बैठ के डिस्कशन किया करते थे। और इबादत खाना के डिस्कशन के बाद ही जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, दैट इज रिलीजन जो कि इसने फाउंड किया था दीन इलाही, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इबादत खाना जो है वो आपका प्रेयर्स के लिए भी यूज करते हैं या इसको डिस्कशन के लिए बाद में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके बाद जो है ही इशूड महजरनामा, या जिसको हम कहेंगे नॉट डिग्री, दिस इज योर डिक्री ऑफ इनफेलिबिलिटी इन 1579। अकबर के नवरत्न में एक नवरत्न का नाम था फैजे, तो फैजी ने जो है वो महजरनामा जो है उसको लिखा था। महाजरनामा का मतलब देख लीजिए, महाजरनामा का मतलब सिंपल सा ये है क्योंकि अकबर ने देखा कि जो उलेमाज हैं, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा जो है वो बोलवाला है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जो आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं राजा की उसके अंदर। तो अकबर ने जब ये डिक्री ऑफ इनफेलिबिलिटी या महजरनामा को इशू किया तो उसका सिंपल सा मतलब ये था कि अब जितने भी रिलीजियस मैटर होंगे वो सारे के सारे अकबर के पास रहेंगे, वहाँ पर उलेमाज जो हैं वो अपने रिलीजियस जो सोच है उसको लोगों के ऊपर इन्फ्यूज नहीं करेंगे। तो आसान भाषा में उलेमाज को साइडलाइन करके रिलीजियस मैटर्स को अपने पास ले लिया। उसके साथ अकबर ने एक बहुत अच्छी चीज की क्योंकि उसका एक और नवरत्न जिसका नाम था टोडरमल, जो कि शेर शाह के अंडर काम किया करता था, बाद में वो अकबर के पास आया, उसने पूरे के पूरे जो लैंड थी उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया था। जो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड थी उसको कहा जाता था पोहाज,
जो थोड़ी सी आपकी कंपेरेटिवली कम फर्टाइल थी उसको कहा जाता था पराती, जो आपकी और कम थी, जैसे मान लो अगर हम ऐसा रखें कि पोहाज जो है वहां पे हर साल खेती की जा सकती है, जो पराती है वहां पे एक साल को छोड़ के खेती की जा सकती है। तीसरी थी छच्छर, छच्छर जो थी उसको 3-4 साल छोड़ के जो है वो आपको खेती करनी पड़ती थी क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। जो बंजर थी उसको 5 साल के बाद वहां पे जो थे वो आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किया करते थे, तो बंजर जो है वो नाम से पता चल रहा है ऐसी जिसमें फर्टिलिटी नहीं है, क्योंकि लैंड को अलग अलग तरह से डिवाइड करने का बेसिक लॉजिक यही है ताकि हर एक लैंड से उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जो है वो टैक्स कलेक्ट किया जाए। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खासियत थी इन तीन राजाओं की। उसके बाद जो है वो हम जहांगीर की बात करेंगे, तो जहांगीर जब आपका राजा बना 1605 से लेके 1627 तक, तो वहां पे दो आपके इंग्लिश मैन जो थे उन्होंने यहां पे विजिट किया था, एक का नाम था जॉन हॉकिंस और दूसरे का नाम था सर थॉमस रो। सबसे पहले जॉन हॉकिंस आए थे, जॉन हॉकिंस 2 साल तक आगरा में रहे थे। जहांगीर के कोर्ट में इनको इंग्लिश खान के नाम से जो था वो पुकारा जाता था। उसके बाद जो है वो आपके थॉमस रोर आएंगे, क्लियर, जो कि आपके अजमेर में रहेंगे, क्लियर। और इसके साथ साथ जो आपके जहांगीर हैं, क्योंकि इसके बेटे को जो सिख गुरु हुआ करते थे अर्जन देव जी, उन्होंने जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन दी थी तो या ब्लेसिंग दी थी अगेंस्ट जहांगीर, तो यही कारण था कि जहांगीर ने जो आपके सिख गुरु थे उनको जो है वो डेथ सेंटेंस दे दी थी। इसके बाद अगला राजा रहेगा आपका शाहजहां। अब अगेन इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ी देर में और आएगा जब हम लोग कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, स्पेशली आर्किटेक्चर ज्यादा फेमस है और पेंटिंग्स ज्यादा फेमस है, तो आज आर्किटेक्चर करेंगे। पेंटिंग्स हमने फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू मॉडर्न इरा, उस पेंटिंग्स के ऊपर जो है वो हमारा एक अलग से लेक्चर रहेगा। शाहजहां की बात की जाए तो यहाँ पे वर्नियर और टेवर्नियर जो आपके दो फ्रेंच पेन थे उन्होंने यहाँ पे विजिट की थी, उसके साथ साथ एक इटालियन ट्रेवलर भी आए थे जिनका नाम था मैनुची। और साथ में अगर हम बात करें तो आपके जो सदर्न किंगडम थे, जो आपके सदर्न किंगडम थे जिनको हम डेक्कन सल्तनत कहा कर, सदर्न तो नहीं कह सकते, जो आपके सेंट्रल वाले पोर्शन में थे टुवर्ड कर्नाटका, क्लियर, वहां पे आपकी डेक्कन सल्तनत हुआ करती थी 5। तो उन्हीं डेक्कन सल्तनत में से जो आपके अहमदनगर था जो कि आपका आज के महाराष्ट्र में है उसको भी शाहजहां ने एक्वायर किया था, और उसके साथ जो बीजापुर या गोलकुंडा है, 5 आपकी जो थी वो बिदार, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, 5 आपकी दिल्ली डेक्कन सल्तनत हुआ करती थी। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जो आपका साउथ वाला एरिया था तो यहाँ पे आपका जो था वो विजयनगर भी हुआ करता था नीचे वाले एरिया में, विजयनगर किंगडम, और यहाँ पे जो थी वो आपकी 5 अलग अलग किंगडम्स थे, जैसे अहमदनगर था, बिरार था, गोलकुंडा था, बिरार है ना, जो आपका बीजापुर था, ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 किंगडम हुआ करते थे। तो आपका जो शाहजहां था उसने अहमदनगर को आपका एनेक्स कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, बीजापुर और गोलकुंडा ने उसकी जो सॉवरेनिटी थी उसको मानने से उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको मान लिया। तो इस तरह से शाहजहां ने थोड़ा सा डेक्कन के जो एरिया से उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा, जो सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है, सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसका नाम है औरंगजेब, वो आएगा, और ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट राजा है जिसने मुगल एम्पायर को एक तरह से हम बताएं कि पीक के ऊपर पहुंचाया इन टर्म ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। लेकिन जो आपका औरंगजेब था वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, क्लियर। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो 1658 से 1707 के बीच में इसका टेन्योर रहा, मोर और लेस सबसे ज्यादा मुगल एम्पायर है, मुगल एम्परर जिसने इंडिया के ऊपर रूल किया है वो आपके है औरंगजेब। औरंगजेब की बात की जाए तो सती प्रथा को बैन कर दिया था, और उसके साथ साथ इनको जिंदा फकीर या दरवेश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ऐसा मानते थे कि इनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही आसान थी, बहुत ही आसान तो नहीं कहूंगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, जिसमें ये कुरान को लिख के उसको बेच के जो है वो पैसा कमाया करते थे अपने खुद के खर्चे के लिए। सारी हर तरह की जो लग्जरियस चीजें थी, हर तरह की जो जैसे आपका लिकर है, लिकर आप सब लोगों को पता होगा जो अल्कोहल कंजम्पशन है ये आपकी प्रोहिबिटेड है इस्लाम के अंदर, तो इन्होंने जो है वो लिकर कंजम्पशन को भी आपका एक तरह से बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, क्लियर। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो रियलिटी में शाहजहां के बाद जो राजा बनना था हिंदुस्तान का वो बनना था दारो शेख ने। दारो शेख थोड़े से लिबरल कह सकते हैं, लिबरल आपके रूलर होते शायद अगर औरंगजेब ना राजा बनते, लेकिन औरंगजेब और दारो शेख के बीच में बैटल ऑफ समूगढ़ होता है 1558 के आसपास, सॉरी 1658 के आसपास। तो जब बैटल ऑफ समूगढ़ होता है तो वहां पे दारो शेख को जो है, या दारो शेख उस स्पेसिफिक बैटल को हार जाता है, कुछ टाइम के बाद दारो शेख को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। औरंगजेब जो है वो अपने आप को एक टाइटल देता है जिसका नाम था आलमगीर, आलमगीर का मतलब है वर्ल्ड कंकरर,
क्लियर। उसके साथ ही औरंगजेब जो आपके नाइन्थ गुरु थे सिक्स के गुरु तेग बहादुर, उनको बिहेड कर देता है, उनको एग्जीक्यूट कर देता है। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया औरंगजेब थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग जो थी उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, जो भांग या बाकी ड्रग्स हैं नशे की चीज़ें हैं उनको बैन कर दिया जाता है। साथ में म्यूज़िक, क्योंकि इस्लाम में म्यूज़िक भी फॉरबिड है, म्यूज़िक भी प्रोहिबिटेड है, म्यूज़िक को भी बंद कर दिया जाता है। इवन कि इससे पहले के जो राजा थे जहांगीर शाहजहां स्पेशली अकबर, ये म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। क्लियर। इवन की पेंटिंग्स वगैरह भी शाहजहां जहांगीर के टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं, आर्किटेक्चर बहुत बड़ा डेवलप हुआ है, नई सिटीज़ की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे ना पेंटिंग्स डेवलप हुई, ना म्यूज़िक डेवलप हुआ, हर चीज़ जो थी वो डिक्लाइन में थी, क्योंकि जो जो इस्लाम के या जो जो कुरान शरीफ के अगेंस्ट था उसको औरंगजेब ने जो है वो एक तरह से क्या करना शुरू कर दिया था, औरंगजेब ने उसको बैन करना शुरू कर दिया था, उसको बंद करना शुरू कर दिया था। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट राजा थे मुगल एम्पायर के। इसके बाद आप सब लोगों को पता होगा लास्ट जो आपके किंग रहेंगे, जब 1857 का रिवोल्ट होगा उसका उनको लीडर बनाया जाएगा, और जब 1857 रिवोल्ट जो फेल हो जाएगा उनको उठा के रंगून भेज दिया जाएगा, उनकी वहीं पर ही डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो मुगल एम्पायर था उसका एंड होगा। लेकिन हमारे लिए जो रेलिवेंट है मिडाइवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यही राजा है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगेन एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो जो अभी हम डिस्कस करेंगे वहां से ज्यादा आने की संभावना है। चलिए अगर हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स थे उनको किस तरह से डिजाइन किया गया था। सबसे पहले देखिए जो पूरे का पूरा एरिया था उसको अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, प्रोविंसेस या जिसको हम कहेंगे सूबा। सूबा के बाद जो है वो आपके बनेंगे सरकार, और सरकार जो कंट्रोल करेंगे, सरकार को कंट्रोल करने के लिए दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, एक का नाम था फौजदार और दूसरे का नाम था अमल गुजार। फौजदार का मतलब समझिए, फौजदार वो था जिसकी रिस्पांसिबिलिटी थी जो रेजिडेंट है, जो लोग हैं उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, और जो अमल गुजार थे उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी रेवेन्यू कलेक्ट करना एट दी सरकार लेवल। तो समझ आया, पूरा आपका प्रोविंसेस बन गए, प्रोविंसेस के बाद आपके क्या आ गए, सरकार से आ गए। सरकार में दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, फौजदार और अमल गुजार। उसके बाद तीसरा डिवीजन आपका आ जाएगा जिसको कहा जाएगा परगना। परगना में भी दो आपके जो है वो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, एक का नाम है अमिल, अगेन रेवेन्यू कलेक्शन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा रहेगा कांगुओ। कांगुओ आपने अभी भी नाम सुना होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे पटवारी से ऊपर वाली पोस्ट ये है। तो क्लियर। तो अभी देखिए काफी हद तक जो है वो रिफ्लेक्शन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको देखने को मिलेगी। तो कांगुओ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, जमीनी जो रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना इसकी जिम्मेवारी थी। तीसरे लेवल पे आपका जाएगा विलेज। विलेज का जो हेड रहेगा वो रहेगा मुकद्दम, जो आज के प्रधान मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था उसको मुकद्दम यहाँ पे कहेंगे मुगल एम्पायर में। और दूसरा रहेगा पटवारी। पटवारी जो है वो आपका लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा बिल्कुल विलेज लेवल पे, बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर। तो इस तरह से जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया जाता था मुगल एम्पायर के द्वारा। मुगल एम्पायर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो था एम्परर, जो हमने अभी डिस्कस किया जिसके बारे में। उसके साथ प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जिसकी रेलेवेंस बाद में थोड़ी कम हो गई थी। वजीर या दीवान जिसको कहा जाता था, जो रेवेन्यू और फाइनेंसिस थी उसको देखने के लिए दीवारे कुल था, जो पे मास्टर या स्पेशली जिसको सोल्जर्स और मिलिट्रीज को देखने की रिस्पांसिबिलिटी थी, रिक्रूटमेंट की रिस्पांसिबिलिटी थी, उसका नाम था मीर बख्शी। उसके बाद जो रिलीजियस मैटर्स में राजा को एक तरह से एडवाइस किया करता था उसको कहा जाता था सदर ए सुदूर। उसके बाद जो जुडिशरी का सबसे बड़ा ऑफिशियल था उसको कहा जाता था काजी उल कुजात। और जो पब्लिक मॉरल्स, ये आपके जो मुहतासिब थे, ये मुहतासिब जो है वो बेसिकली औरंगजेब के टाइम पे, क्योंकि किस तरह से ड्रिंकिंग जो है वो उसको प्रोहिबिट करना है, लोगों को किस तरह से चलना है, किस तरह से बिहेव करना है, तो मॉरल, पब्लिक मॉरल्स को कंट्रोल करने के लिए जो स्पेशल ऑफिसर्स आपके औरंगजेब के द्वारा बनाए गए थे उनका नाम था मुहतसिब। उसके बाद जो इंटेलिजेंस एंड पोस्ट के लिए थे उनको कहा जाता था दरोगा दक चौकी। क्लियर। बेसिकली पुलिस के साथ इसको आप लोग जो है वो आसान भाषा में लिंक कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन था ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। अब देखिए यार मुगल एम्पायर के कुछ और भी रिलेवेंस रहेंगी, जैसे हमें पेंटिंग में, म्यूजिक में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो उसको मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ। पेंटिंग एंड म्यूजिक के ऊपर हमारे एक दो लेक्चर और करेंगे हम लोग स्पेसिफिक कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो वहाँ पे पेंटिंग, म्यूजिक, डांसेस के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो अभी तक बस इतना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है, लेकिन अगेन फिर भी जो आपका रिकमेंडेड टेक्स्ट है, आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, इंस्टीट्यूट का बुक कर रहे हो फॉलो, अब वहां से जो है वो और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को गैदर करके जो है वो उसको पढ़ सकते हो। जैसे मैं बता देता हूं इबादत खाना का मतलब क्या है, उसके ऊपर सवाल आ चुका है,
क्लियर है कि ये वादत खाना जो है उसको बनाया क्यों गया था, क्या पानीपत की लड़ाई में गन पाउडर्स को यूज किया गया है, उसके ऊपर जो था वो आपका सवाल आ चुका है, किसी जमाने में जो बैटल सीन सब की उसके ऊपर जो सवाल है वो आ चुके हैं, लेकिन अभी काफी टाइम से उस तरह के सवाल जो है वो नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अगेन फिर भी हम लोगों को जो है वो मिडाइल में अपनी एनर्जी थोड़ी लगानी है सिर्फ प्री परस्पेक्टिव से, मेन्स परस्पेक्टिव अगेन कल्चरल है, उसको हम बाद में देखेंगे किसी टाइम। उसके बाद देखिए अगर हम मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो देखिए मुगल आर्किटेक्चर की ये सारे के सारे आपके फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर्स हैं, जिसमें पर्शियन और इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट जो है उसको मर्ज कर दिया जाता है, जिसमें इंडियन आर्ट के जो डेकोरेशंस वगैरह है उनको यूज किया जाएगा, पर्शियन आर्ट के जो आर्क एंड डोम मेथड्स हैं उनको यूज किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है वो अगेन देखिए लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, आज भी मोर ऑर लेस रिपीट हो रहा है, जितने भी आपके डिजाइंस बने होते थे बिल्डिंग्स के ऊपर वो उनका प्रॉपर एक शेप था, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस हुआ करते थे। उसके साथ साथ बहुत ही सुंदर कलर टाइल्स को यूज किया गया है, या टाइल्स के ऊपर जो है या जो दीवारें हैं उनके ऊपर बड़ी सुंदर सी आकृतियां जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले बिल्डिंग मटेरियल हैं वो एक आपका है रेड सैंडस्टोन और दूसरा आपका है वाइट मार्बल। तो आप लोग देख लीजिए जितना भी आर्किटेक्चर बना है मुगल्स का, चाहे वो आपका जैसे लाल किला बना है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, उसी तरह से जो आपका वाइट जो आपका ताजमहल बना है वो आपका वाइट मार्बल से बना है। तो मोर ऑर लेस इन्होंने दो बिल्डिंग स्टोन्स को या बिल्डिंग मटेरियल्स को सबसे ज्यादा यूज किया है, फर्स्ट आपके रेड स्टोन एंड सेकेंड इज योर वाइट मार्बल्स। उसके बाद जो है वो चारबाग स्टाइल मुगल्स को ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। चारबाग का मतलब देखिए क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक बिल्डिंग बनाया है इन लोगों ने, ठीक है, तो जो आपका रास्ता रहेगा तो उसमें चार बाग, एक दो तीन और चार, तो मतलब डिपेंड करता था, जैसे ये चार बाग हो गया या कई जगह पे इस तरह से भी डिवीजन था कि यहाँ पे एक दो तीन और चार, क्लियर। तो मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे आपको एक डायमेंशन देखने को मिलते थे, चार 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 बाग, बाग मतलब आई थिंक गार्डन्स आपको पता होगा, तो गार्डन्स जो थे वो आपके 4x4, चाहे वो 16 गार्डन्स हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, 16 हो गए, 32 हो गए, तो इस तरह के जो है वो 4x4 के जो है वो आप लोगों को गार्डन्स देखने को मिलते हैं। और मोर ऑर लेस मुगल में मोर ऑर लेस आपको हर एक बिल्डिंग में जो है वो चार बाग स्टाइल देखने को मिलेगा। उसके साथ कैलीग्राफी है, क्लियर है, जिसको यूज किया गया है, जो आपके स्टोन्स हैं जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था पेट्रा ड्यूरा टेक्निक, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों को यूज करके एक सुंदर आकृतियां, सुंदर इमेजेस, सुंदर डिजाइन जो थे वो बनाए जाते थे। तो मोर ऑर लेस मुगल एम्पायर भी आपका जो है वो लास्ट लेक्चर के साथ हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं जो कि हमने दिल्ली सल्तनत पे देखा था। देखिए आज थोड़ा सा इमेजेस ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आई थिंक आप विजुलाइज कर पा रहे हो, और बेसिकली ये जो सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं ये वही बिल्डिंग्स हैं जो हम लोगों ने देखी हुई हैं खुद, क्लियर। जैसे सबसे पहले देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं ने जो है वो एक नई सिटी की फाउंडेशन की, जिस सिटी का नाम था दीने पनाह। ये दीने पनाह जो है बाद में शेरशाह सूरी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हुमायूं जो है इसने आगरा और हिसार में कुछ मॉस्क्स को बनाया हुआ था। तो हुमायूं के टाइम, क्योंकि हुमायूं वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहा, तो हुमायूं के दौरान जो है वो मस्जिद वगैरह ज्यादा बनी है, बाकी कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन उसका नहीं है। उसी तरह से बाबर, क्योंकि बाबर भी सिर्फ 4 साल तक रहा था, तो बाबर भी यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन बाबर भी आपका एक आपका रोहिलखंड जगह है और एक आपका पानीपत है, इन दोनों जगहों पे पानीपत और रोहिलखंड में बाबर के द्वारा जो है वो मस्जिदें मॉस्क्स जो है वो बनाई जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे जो आपके अकबर है। अब देखिए जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं है वो नो डाउट अकबर के टाइम पे बनी है, लेकिन जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं है ये हुमायूं की जो बेगा बेगम थी, उनकी जो विडो थी, उसने जो है वो दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब जो है वो उसको बनाया हुआ है। और हुमायूं टॉम्ब जो है उसकी बहुत सुंदर है, हुमायूं टॉम्ब जो है उसमें चार बाग स्टाइल आपको देखने को मिलता है, क्लियर। और सबसे बड़ी बात है कि हुमायूं टॉम्ब को अगर आप लोग देखोगे तो वो आपको वैसे ही देखने को मिलेगी जैसा बाद में ताजमहल बनेगा। तो कहीं ना कहीं हम इसको प्रोटोटाइप फॉर दी ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ताजमहल बनने से पहले एक बड़ी ही सुंदर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेड सैंडस्टोन है, लाल पत्थर है, वो यूज हुआ था ताजमहल में। आप सब लोगों को पता है कि व्हाइट मार्बल यूज हुआ है। तो टॉम्ब ऑफ हुमायूं सबसे पहली सबसे सुंदर आपकी आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन है मुगल एम्पायर की हमारे देश में। उसके बाद जो है वो आप आगरा का रेड फोर्ट देख लो, वहां पे अकबर, बाकियों का भी कंट्रीब्यूशन है, अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। फतेहपुर सीकरी जो सिटी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट अकबर ने की थी और अपनी कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी। लाहौर का किला भी अकबर के द्वारा बनाया गया है। सिकंदरा की टॉम्ब, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, ये सारे के सारे जो आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आप लोगों को जो है वो किसके द्वारा देखने को मिलेंगे, ये अकबर के टाइम पे ही इनकी फॉर्मेशन या फाउंडेशन हुई है।
क्लियर। और जो आपका ये जो बुलंद दरवाजा है, ये गुजरात और डेक्कन में जब अकबर ने जीता था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को बनाया गया था, अकबर के गुजरात और डेक्कन के सक्सेसफुल कैंपेन्स को मद्देनजर रखते हुए। क्लियर। तो ये सारी की सारी कहानी जो थी वो आपकी अकबर की थी। उसके बाद जो है वो हम लोग अगला देखेंगे, नेक्स्ट इज योर जहांगीर। जहांगीर जो है वो टॉम्ब ऑफ अकबर बनाएगा सिकंदरा में, सिकंदरापुर में। उसके बाद जो है वो उसकी जो वाइफ है उसके द्वारा टॉम्ब ऑफ इत्माद उल दौला भी बिल्ट की जाएगी, जो कि नूर जहां के फादर होंगे उनकी याद में। बाद में शालीमार बाग, आई थिंक आप सब लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग आपका है श्रीनगर वाला। तो शालीमार बाग जो बनाया गया था वो आपका किसके द्वारा बनाया गया है, जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। और उसके साथ जो मोती मस्जिद है लाहौर की, वो भी आपकी जहांगीर के द्वारा ही बनाई गई। एक चीज ध्यान रखना, मोती मस्जिद जो है वो आपकी तीन तरह की है। क्लियर। मतलब तीन तरह की तो नहीं, मतलब मोती मस्जिद जो है वो आपकी तीन अलग अलग सिटीज में है। तो सबसे पहली जो मोती मस्जिद है वो आपकी है लाहौर में। लाहौर वाली जो मोती मस्जिद है वो बनाई गई है आपकी जहांगीर के द्वारा। दूसरी मोती मस्जिद आपकी है आगरा में, जो बनाई गई है शाहजहां के द्वारा। तीसरी मोती मस्जिद आपकी है दिल्ली में, जो बनाई गई है औरंगजेब के द्वारा। तो तीन मोती मस्जिद है। एक चीज ध्यान रखना, मोती मस्जिद में जो बिल्डिंग मटेरियल यूज हुआ है वो यूज हुआ है व्हाइट मार्बल। तो सफेद पत्थर है जो आपका संगमरमर है उसको यूज किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोती मस्जिद एट लाहौर, दिल्ली एंड आगरा। क्लियर। शाहजहां की बात की जाए, ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ताजमहल, लाल किला, शाहजहानाबाद, जामा मस्जिद, ये सारे के सारे जो जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्पेसिफिक टाइम पे हैं वो शाहजहां के द्वारा ही बनाई गई। उसके बाद औरंगजेब आएगा। औरंगजेब जो है वो लाहौर में शाही मस्जिद बनाएगा, साथ में मैंने आपको बताया दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनाई जाएगी। और औरंगाबाद में जिसको साउथ इंडिया का ताजमहल बनाया जाता है, माना जाता है, दैट इज योर बीवी का मकबरा। बीबी का मकबरा अपनी बीबी के लिए औरंगजेब के द्वारा बनाया जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद आपका है महाराष्ट्र के अंदर। ये बहुत ही अच्छी बिल्डिंग नहीं मानी जाती है नॉर्मली, लेकिन अगेन औरंगजेब के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इसको बिल्ड किया गया है। तो ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। पिछली बार इन्होंने किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल है उसके ऊपर भी सवाल पूछ लिया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है, कहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन यूज हुआ है, कहाँ पे व्हाइट मार्बल यूज हुआ है। अगेन हर बिल्डिंग को आप याद नहीं रख सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा अगर आइडिया है तो आप इसको आसानी से कर लोगे, नहीं आइडिया है तो शायद नहीं कर पाओगे। मुगल एम्पायर में दो पत्थर याद रखोगे, रेड सैंडस्टोन एंड जो आपका था मार्बल। दिल्ली सल्तनत में जो मेनली यूज हुआ है वो रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है, और उसके साथ साथ ग्रे सैंडस्टोन को उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे यूज किया है। तो इस तरह से जो है वो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा कि किस टाइम पे बिल्डिंग बनी है, उस हिसाब से आप शायद इसको बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रहेगा जो आपका लास्ट है आज का, दैट इज योर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देखिए बाबर ने जो है वो तुर्की भाषा में अपनी एक किताब लिखी थी, तुझके बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं नामा, जो हुमायूं था उनकी वाइफ गुलबदन बेगम के द्वारा जो है वो लिखी गई है, उनकी एक बायोग्राफी है। उसके बाद अबू अब्दुल फजल, अबू फजल जो कि हिस्टोरियन और नबरतना भी थे। नबरतन का मतलब सिंपल सा है कि नौ स्पेशल आपके ऑफिशियल्स थे ड्यूरिंग अकबर रूल। अबू फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा किताब लिखी गई है अकबरनामा और आईने अकबरी। क्लियर। अब देखिए उसके बाद आपके बदौनी रहेंगे जो किताब लिखेंगे, जिनका नाम होगा मुंतकाब उल तवारीख। उसके बाद निजामुद्दीन के द्वारा किताब लिखी जाएगी तबाकत अल अकबरी। और साथ में जो आपके हिंदू एपिक्स हैं जो हम लोगों ने वैदिक पीरियड के अंदर डिस्कस किया था, और उसके साथ साथ जो आपके अथर्ववेद हैं या आपका रामायण महाभारत है उसको पर्शियन भाषा में भी एक तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा निजामुद्दीन के द्वारा। अकबर के टाइम पे है ये। क्लियर। उसके साथ जो है वो मुगल एम्पायर के दौरान ही आप लोगों ने तुलसीदास का नाम सबने सुना होगा, उस स्पेसिफिक टाइम पे आपका तुलसीदास के द्वारा रामचरित मानस लिखी जाएगी, सूरदास के द्वारा सुर सागर लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपकी पर्शियन लैंग्वेज बात की जाए, तुर्किश भाषा की बात की जाए, आपकी हिंदी की बात की जाए, इवन की बंगाली लैंग्वेज की बात की जाए, तो ये मुगल एम्पायर में हर एक जो आपकी भाषा है वो डेवलप हुई है। उसके बाद जहांगीर के द्वारा जो है वो तुजुक के जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी जो है उसके द्वारा लिखी जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, बाबर के बाद अकबर जो आपके जहांगीर हैं उनके द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी। उसके बाद जो है वो जब हम औरंगजेब की बात करते हैं तो वहां पे हम अलग अलग किताबें देखते हैं, जिनमें से एक थी फतवा ए आलमगीरी। आलमगीर आपको सबको पता ही है कि
किसको कहा जाता है, उसके द्वारा कैसे आपका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, वो औरंगजेब के द्वारा एक स्पेसिफिक किताब के अंदर मेंशन किया गया था, दैट इज योर फतवा ए आलमगीरी। क्लियर। उसके बाद जो है वो आपकी मुंतखब उल, क्लियर, ये आपकी खाफी खान के द्वारा लिखी गई है और भीम सेन के द्वारा लिखी गई है नुस्को ई दिलखुशा। क्लियर। अब देखो यार, ये बहुत ज्यादा बुक्स आपकी हो गई हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको मेमोराइज कर लेना, थोड़ा सा इसको याद कर लेना कि किस हिस्टोरियन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि कौन सा हिस्टोरियन, कौन सा जो राइटर है वो किस स्पेसिफिक टाइम पे, किस एम्पायर के टाइम पे आपका रहा, वो मुगल के टाइम पे है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे है, विजयनगर के टाइम पे है, बहामनी किंगडम के टाइम पे है, आपको इनको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्लियर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है मुगल एम्पायर के ऊपर, उसको मैं यहीं पे ही कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म और उसके साथ एक दो लेक्चर जो है वो और रहेंगे एंशिएंट मिडिवल के, उनमें बाकी जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो शायद रेलिवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे।